नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। आप अच्छा खेले हैं, रोना बंद करिए। आपके रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिला हॉकी के होनहारों से बात करते हुए कही। देश के प्रधानमंत्री हर मैच के बाद अपने खिलाड़ियों से यूं बात करते हुए देखे गए हैं। खुशी हो या गम, हर वक्त देश के पीएम उनके बीच रहे। लेकिन जब पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की तो मंजर कुछ और ही था। सभी खिलाड़ी गोल घेरा बनाकर साथी खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कोच के साथ खड़ी थी। कुछ खिलाड़ियों के सुबकने की आवाज आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से हुए मैच के बाद महिला हॉकी खिलाड़ियों को वीडियो कॉल किया। सभी खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी बहुत अच्छा खेले हैं। पिछले 5 से 6 सालों में जो पसीना आपने बहाया है वो सभी में जोश भर रहा था। आप जो साधना कर रहे थे, आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपके पसीने ने करोड़ों बेटियों और खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। मैं टीम के सभी सदस्यों और कोच जॉन मरीन को बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम से बात की और कहा कि रोना बंद कर दीजिए, आप भले ही हार गई हो लेकिन आपने देश का दिल जीता है और आप पर देश को पूरी तरह से गर्व है, इसलिए रोना बंद कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। सरकारों के बदलने के साथ योजनाओं के नाम में तब्दीली का चलन पुराना है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार लगातार कई योजनाओं के नाम बदल रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कल बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ज्यादातर योजनाओं के नाम जो बदले गए हैं उनमें ज्यादातर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर थे। इसके अलावा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी राज्य सरकारों ने कई शहरों, कई संस्थानों, स्टेशन और बंदरगाहों के नाम बदले हैं। वहीं दूसरी तरफ जनसंघ के संस्थापक और बीजेपी की विचारधारा के सूत्रधार दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर सबसे ज्यादा योजनाओं के नाम रखे गए हैं। तो ये चलन आज का नहीं है, ये चलन बेहद पुराना है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब से ही योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। कई ऐसे खेल पुरस्कार हैं जिनके नाम बदले गए हैं। हाल ही का उदाहरण दूं तो कल राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। कई जगह इसकी सराहना हुई है लेकिन कांग्रेस उस पर पलटवार करती हुई जरूर नजर आई है। वहीं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों में भी कई स्टेशन, कई जगहों के, कई शहरों के नाम बदले गए हैं, कई संस्थानों के नाम बदले गए हैं। वहीं कई योजनाओं के नाम बदले जाने पर कांग्रेस का आरोप है कि ये योजनाएं यूपीए सरकार के समय की हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल उसका नाम बदलकर उसे नया दिखाने की कोशिश कर रही है। 15 जून 2017 को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की कई योजनाओं के केवल नाम बदलकर 23 नए कार्यक्रम चला रही है। हर बार नाम बदलने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने वाली कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने का मन बना लिया है। ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की तो उन्होंने भी कल इसकी सराहना तो की कि नाम बदला गया है और एक हॉकी के जादूगर के नाम पर रखा गया है यानी कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर। लेकिन ऐसे में जो नया स्टेडियम बनाया गया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है उसे भी बदल देना चाहिए और जितने भी तमाम ऐसे पुरस्कार हैं जिन पे किसी व्यक्ति का नाम है उन्हें भी बदल देना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस सराहना तो कर रही है लेकिन सीधे सीधे कटाक्ष करती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में शशि थरूर का एक वीडियो काफी पुराना वायरल हो रहा है जो कि 2017 का बताया जा रहा है, जब शशि थरूर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ यूपीए में की गई योजनाएं जो हैं, जो यूपीए सरकार में आई थी उनका नाम बदल रही है और वाहवाही लूट रही है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। ये सारे काम यूपीए सरकार में हो चुके थे लेकिन नाम बदलकर इसका क्रेडिट मोदी सरकार लेती हुई नजर आ रही है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के ट्विटर से ब्लू टिक हट गया। धोनी ट्विटर पर कम एक्टिव हैं, एक वजह यह भी मानी जा रही है ट्विटर पर उनके करीब 8.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ने आखिरी बार 8 जनवरी को एक ट्वीट किया था। पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जब किसी पॉलिसी के उल्लंघन करने या यूजर के एक्टिव ना रहने पर ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किया है। ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अपना हैंडल बदलता है तो ब्लू टिक बैज हटाया जा सकता है। अगर खाता 6 महीने की अवधि से एक्टिव नहीं है तो भी ब्लू टिक हट सकता है। धोनी का अकाउंट सस्पेंड तो नहीं हुआ लेकिन ब्लू टिक हटा लिया गया है। कैप्टन कूल ट्विटर पर भले ही एक्टिव ना हो लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा उनके नाम की चर्चा होती रहती है। धोनी कभी अपने फार्म हाउस में खेती करते हुए नजर आते हैं तो कभी अपने अलग हेयर स्टाइल की वजह से लोगों के बीच सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में धोनी तब चर्चा में आए थे जब हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने उनकी नई तस्वीरें पोस्ट कर दी थी जिन्होंने तहलका मचा दिया था। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के हेयर स्टाइल पर काम किया था जिसके लोगों ने खूब तारीफ की थी। धोनी का नया लुक प्रशंसकों को बेहद पसंद आया। क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट के बाद भी चर्चा में लगातार बने रहते हैं। फिलहाल चर्चा की जो वजह है वो है उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक का हटना। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से वो एक्टिव नहीं थे और इसी वजह से वो ब्लू टिक हटा है। हालांकि सस्पेंड जो है अकाउंट वो नहीं हुआ है लेकिन अगर कुछ सोशल मीडिया की पॉलिसी की बात की जाए तो ट्विटर की पॉलिसी है अगर आप 6 महीने से ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और ब्लू टिक भी हट सकता है। तो आखिरी ट्वीट महेंद्र सिंह धोनी ने जनवरी में किया था और अब उनके अकाउंट से जो ब्लू बज है वो हट गया है। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक किसान संसद चला रहे हैं। इस बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जंतर मंतर पहुंच सकते हैं और कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने फोटो के साथ एक कविता भी ट्विटर पर साझा की थी। कविता के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और खुद को किसानों के साथ बताया था। संसद से किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचने वाले नेताओं में राहुल गांधी, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, शिवसेना के संजय राउत, राजद के मनोज झा और भाकपा के विनय विश्व, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। इससे पहले खड़गे की संसद भवन स्थित कक्ष में बैठकर विपक्षी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि वे किसानों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे और ऐसा भी हुआ और ऐसी तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है। यूपी चुनाव को लेकर भी तैयारियां बखूबी की जा रही है। ऐसे में सभी दल मिल रहे हैं और इसी कड़ी में बसपा विधायक दल के उपनेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि सूबे की जनता मायावती सरकार के कानून व्यवस्था को सूबे की जनता याद कर रही है। बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा विकास मायावती जी ने किया है। लखनऊ का विकास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कानून व्यवस्था के मामले में मायावती की कोई बराबरी नहीं है। राम मंदिर बाबरी मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था तब सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ बंदी की थी लेकिन मायावती ने स्पष्ट कहा था कि सूबे में ना तो कोई चाय की दुकान बंद की गई और ना ही पान की दुकान। सभी को फैसला मानना पड़ेगा। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी लगातार जुटी हुई है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मायाराज में भी कानून व्यवस्था पर्याप्त थी, ऐसे तमाम जो बयान हैं वो बीएसपी के नेताओं द्वारा लगातार सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में और सभी को ये पता है जितने भी राजनीतिक दल हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी होता हुआ ही जाता है। तो ऐसे में पुरजोर कोशिश हर दल की हो रही है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य छोटे छोटे दल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खालिस्तान समर्थक ने बड़ी धमकी दी है।
खालिस्तान समर्थक गुरुपवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है कि 15 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ को हम लखनऊ के विधान भवन पर झंडा फहराने नहीं देंगे। मीडिया कर्मी को योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी का ऑडियो भेजा गया है। भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी वाला ऑडियो मीडिया कर्मियों के फोन पर डाला है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये ऑडियो सच हो सकता है। फिलहाल इस ऑडियो को लेकर लगातार जांच की जा रही है और इस ऑडियो में ये सुना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले पन्नू ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व और मुख्यमंत्री शांता कुमार को भी धमकी दी थी, और एक बार फिर से ये धमकी सामने आ रही है और ये धमकी अब योगी आदित्यनाथ को दी गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आए हैं और जिसकी जांच भी की गई है। कई बार ये फेक होते हैं लेकिन कई बार सही भी होते हैं, लेकिन जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। फिलहाल 15 अगस्त बेहद करीब है, ऐसे में पूरा देश ही हाई अलर्ट पर है। सितारगंज में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत आशा कार्यकर्ताओं से धरनास्थल पर मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अजय जायसवाल ने उनके आंदोलन का समर्थन किया है। इस बीच आंदोलनकारियों की सुनवाई न होने पर रोष जताया गया। जायसवाल ने सीएससी के बाहर अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठी आशा वर्करों से कहा है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है। आशा वर्करों ने कोरोना महामारी में बड़ी मेहनत से काम किया, सरकार उनके हक का हनन कर रही है। साथ ही कहा कि वो आशा वर्करों के साथ हमेशा खड़े हैं। जायसवाल ने आशा वर्करों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि सरकार से जो भी आशा कार्यकर्ता की मांग है बिल्कुल जायज मांगे हैं, उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो आशा कार्यकर्ता जो कि लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उनके समर्थन में आप नेता यहां पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं की मांगों को उन्होंने जायज ठहराया और कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, वरना ये धरना खत्म होने से रहा। सितारगंज में वन कर्मियों ने तस्करी कर ले जाई जा रही खैर की लकड़ी के 29 किलेट बरामद किए हैं। तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी कब्जे में ले लिया गया है, वहीं तस्कर भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि बाराकोली रेंज के स्टाफ ने सूचना पर खैर की लकड़ी से लदी पिकअप का पीछा कर पीलीभीत रोड पर पुलिस के साथ संयुक्त प्रयास से वाहन पकड़ा। पिकअप यूके के खैर से 29 गिल्ट लदे थे। वाहन का ड्राइवर तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। वन कर्मियों ने वाहन को अपनी अभिरक्षा में लेकर वन परिसर में विधिक कार्रवाई के लिए खड़ा कर दिया है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। सितारगंज श्री शिवराज चंद जी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है मानसून गश्त के दौरान। तो इसमें हम रात्रि गश्त में थे तो हमको खबर मिली, पुलिस ने हमको खबर दी कि एक गाड़ी भाग रही है, उसके पीछे हम भी गए तो मल्टीप्लस हॉस्पिटल के पास अमरिया रोड में ये पिकअप UK06CA634 नंबर जो है इसका एक्सल टूट गया था। इसमें से ड्राइवर और एक आदमी और विपरीत दिशाओं को भाग गए। गाड़ी में चेक करने पर देखा तो इसमें 29 लट्ठे खैर के लदे हुए हैं, जिन पर अंतर्गत अपराध दर्ज कर दिया गया है और जांच जारी है। अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के दौर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोक कलाकारों के लिए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। ठाकरे सरकार लोक कलाकारों को 5,000 रुपए की मदद करेगी। इस फैसले से राज्य के कम से कम 56,000 कलाकारों को आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से ये एक मुश्त अनुदान दिया जा रहा है ताकि लोक कलाकार महामारी से उभरे आर्थिक संकट से निपट सके। राज्य सरकार ने अपने एक बयान में कहा है कि राज्य में लोक कला मंडलियों के सैकड़ों लोक कलाकार, संचालक, मालिक और निर्माता कोरोना के दौर में भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। इसे देखते हुए कलाकारों को एक मुश्त कोविड राहत अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ये कहती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र पिछले 1.5 साल से COVID-19 महामारी से जूझ रहा है और यहाँ पर मामले लगातार अब भी बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव में भी COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक के कारण कई कलाकारों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसे संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के 56,000 से ज्यादा कलाकारों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है ताकि उनकी एक हद तक मदद हो सके।
तो राज्य के लोक कलाकारों की मदद करेगी। ठाकरे सरकार राज्य के लोक कलाकारों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सड़कों पर इस बार किसानों का आंदोलन भी जारी है। ऐसे में 26 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार काफी कड़ी सुरक्षा कर रही है। इसी कड़ी में लाल किले के पास बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं, जैसे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लाल किले के मेन गेट पर ये कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि अगर कोई प्रदर्शनकारी पुलिस के चक्रव्यूह को भेद कराता है तो कंटेनर्स को पार न कर पाए। खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट्स मिल रहा है कि 15 अगस्त के दिन प्रदर्शनकारियों द्वारा हंगामा किया जा सकता है और लाल किले पर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा सकती है। बता दें कि हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं। कोरोना संकट के कारण इस बार भी दर्शक दीर्घा में कम लोगों को जगह मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। दरअसल इतनी कड़ी सुरक्षा का मुख्य कारण इस बार किसान आंदोलन को भी बताया जा रहा है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले करीब 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, या ये कहें कि 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी संसद के सत्र के दौरान जंतर मंतर पर भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और एक अलग से सांकेतिक संसद लगाई जा रही है। ऐसे में 15 अगस्त को कोई भी चूक ना हो, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लाल किले की जो प्राचीर है उसे पूरी तरह से ढक दिया गया है, उसके आसपास चक्रव्यूह बना दिया गया है ताकि कोई भी उस चक्रव्यूह को भेद ना पाए और अगर कोई ऐसा कर भी जाता है तो कंटेनर्स उन्हें रोक ले। तो लाल किले की सेफ्टी को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ 15 अगस्त के बड़े मौके पर कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि हमने इसी साल 26 जनवरी को देखा था कि किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जो हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं एक चिंता जो है वो बढ़ा रही थी। ऐसी तस्वीर दोबारा सामने ना आए, ऐसे में दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं चाहती है, इसी वजह से पूरे लाल किले को भेद दिया गया है। भारतीय और चीनी सैनिकों में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोल पॉइंट 17A के पास गोगरा क्षेत्र से पीछे हटने पर सहमति बन गई है। गोगरा से पीछे हटने के लिए भारत चीन की सेनाओं के बीच 12वें दौर की बातचीत में सहमति बनी। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बीते दिन 12वें राउंड की बातचीत हुई है। इस 12वें राउंड की वार्ता के बाद दोनों देशों के सैनिक गोगरा में पीछे हटे हैं। इसके साथ ही गोगरा में निर्मित सभी अस्थायी स्ट्रक्चर को भी हटा दिया गया है। इस बाबत भारतीय सेना ने बयान जारी करके कहा है कि सप्ताह की शुरुआत में बताया गया था भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 12वें राउंड की बैठक 31 जुलाई को हुई थी। ये बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हुई थी। इसमें दोनों पक्षों के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर विचार का गहन और स्पष्टता आदान प्रदान हुआ, जिसमें दोनों पक्ष गोगरा एरिया से पीछे हटने को लेकर सहमत हुए हैं। बता दें कि क्षेत्र में पिछले साल मई में सैनिक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद अब दोनों सैनिकों में बातचीत शुरू हुई और दोनों पक्ष इस क्षेत्र से पीछे हटने पर राजी हो गए हैं। समझौते के अनुसार दोनों पक्षों ने चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से क्षेत्र में आगे तैनाती बंद कर दी है। तो गोगरा में पीछे हटी है भारत चीन की दोनों सेनाएं, अस्थायी ढांचे भी वहां से हटाए गए हैं। 12वें दौर की जो बातचीत हुई थी, यानी कि 12वें राउंड की जो बातचीत हुई थी, उसके बाद आपसी सहमति बनी है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को केरल के सांसदों को एंट्री न देने के फैसले पर फटकार लगाई है। दरअसल लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के फैसलों को लेकर हो रहे विरोध के बीच केरल के कांग्रेस यूडीएफ सांसदों ने लक्षद्वीप की यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी। लक्षद्वीप प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन से अनुमति न मिलने पर कांग्रेस सांसदों हिबी हिडन और टीएन प्रत्यापन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, साथ ही ये भी कहा है कि दौरे के आवेदन को रद्द करने का फैसला अवैध है। कोर्ट ने कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आवेदन खारिज किया गया, आवेदकों की बात सुने बिना अनुरोध को ठुकराना गैरकानूनी है। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन से इस फैसले पर 1 महीने के भीतर पुनर्विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन को सांसदों को सुनने के बाद ही फैसला लेना चाहिए।
तो केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को फटकार लगाई है। सांसदों को एंट्री न देने का फैसला गैरकानूनी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए प्रदेश भर में पंचायत प्रतिनिधि सरकार पर दबाव बना रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सके। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार खुश कर सकती है, जिसका फायदा सरकार को चुनाव में भी मिल सकता है। उत्तराखंड में तकरीबन 8000 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें से अधिकतर में बीजेपी के प्रधान हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत प्रमुख समेत तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जो चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावों की स्थिति को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधि सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनका इस मौके पर मानदेय बढ़ाया जाए। उत्तराखंड जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने बताया कि संबंध में मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से बात हो चुकी है, जिनसे आग्रह किया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि कई पंचायत प्रतिनिधियों को बैठकों के आधार पर मानदेय मिलता है। तो वही ग्राम प्रधान को 1500 रुपए, जिला पंचायत अध्यक्ष को 10000 रुपए मानदेय दिया जाता है। धामी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के कारण हाल बेहाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हो रही लगातार बारिश के कारण स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ की घटनाओं की वजह से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। किसान अपनी बची कुची फसलों को बेचने की कोशिश में जुटे हैं। बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में है, चाहे वो हावड़ा हो, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर में लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, क्योंकि घरों की हालत बहुत खराब है। ये पूरा क्षेत्र धान का खेत है। बता दें कि इस समय 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा धान के खेत तबाह हो चुके हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटी नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ कोई नदी नहीं है। पूरा क्षेत्र धान का खेत है। इलाके में ऐसे घर भी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए सड़कों की जगह नावों का इस्तेमाल किया जाता है। बाढ़ बढ़ रही है और बदलाव हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये कहा नहीं जा सकता। ये मानसून का मौसम है, इसलिए बारिश भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 3 लाख से ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।